Hi, I am Rituja. Welcome back to my channel Relish with Ritu. ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक बनाते हुए कई बार हम सोच में पड़ जाते हैं कि अभी क्या बनाया जाए. उसमें भी कुछ हेल्थी बनाना हो तो ऑप्शंस बहुत कम होते हैं. तो चलिए देखते हैं ऐसा यम्मी और हेल्दी हम क्या बना सकते हैं. मूंग दाल अप्पे बनाने के लिए हमें चाहिए 150 ग्राम सोक किया हुआ मूंग दाल, एक मीडियम साइज कटा हुआ प्याज, एक मीडियम साइज कच्चा आलू, एक टेबल स्पून जीरा, एक हरी मिर्च, 5-6 लहसुन फलियां, थोड़ा सा अदरक, एक टीस्पून हल्दी, एक टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा धनिया और नमक स्वादानुसार. अब हम सोक किए हुए मूंग दाल में जीरा, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्सर में पीस लेंगे. अब हमें इसमें डालना है कटा हुआ प्याज, धनिया, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक. आलू को हमें ग्रेट करके डालना है. और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है. फ्लफी होने के लिए हम इसमें 1/2 टीस्पून इनो डालेंगे और डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये एक्टिवेट हो जाए. और ठीक से मिक्स कर लेंगे. अपम बनाने के लिए इस पैन में हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालेंगे. अब हम इस मिक्सचर को पैन में डाल के इसको 2 से 4 मिनट पकने देंगे. तकरीबन 2 से 4 मिनट के बाद हम इसे पलट देंगे. हमारे अप्पे बनके रेडी है. अप्पे या अप्पम जो भी बोलो, ये धनिया चटनी या कोकोनट चटनी के साथ और स्वादिष्ट लगते हैं. मेरा इवनिंग स्नैक तो रेडी है. अब आप ये रेसिपी ट्राई करके मुझे जरूर बताइएगा कि कैसा बना था. और इस चटनी की रेसिपी जानने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा. ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद. ऐसे ही और इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.